बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास वन उर्दू अदब की कॉपी निकाली है। हमने टाइटल बनाया था सबक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आज हम उसका काम करेंगे। तो ये हमारा सफ़ा नंबर 13 पे बना था, अब हम करेंगे सफ़ा नंबर 14 पे काम। सफ़ा नंबर 14, यहाँ पे आज की आप डेट डालिए, पेंसिल शार्प करनी है, ब्लू कलर से लिखिए खुलासा। अब नंबर एक, बुलंद खानी, खुतमा ज़रूर लगाइएगा। खुतमा क्या होता है? ये इंग्लिश में फुल स्टॉप, उर्दू में खुतमा। नंबर दो, मुश्किल अल्फाज। नंबर तीन, खुशखत। नंबर चार, अल्फाज मायने। नंबर पाँच पे हम करेंगे नोट, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। नंबर छः, खाली जगह पुर करें। नंबर सात, अल्फाज जुमले। नंबर आठ, सरगर्मी सफ़ा नंबर 15-17। ये हमारा बुक वर्क होता है। अब सफ़ा नंबर 15 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 15, सबसे पहले आज की डेट डालें। दो, नंबर दो, मुश्किल अल्फाज ब्लू कलर से लिखना है। नंबर एक, कुरान मजीद। नंबर दो, तारीफ। नंबर तीन, सच। नंबर चार, मक्का। नंबर पाँच, पैगाम। ये आपने मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। बहुत अच्छी राइटिंग में बेटा काम करना है हमने। जो लफ्ज़ हमें नहीं लिखना आएगा, अपनी मामा की मदद से लिखना सीख लिएगा, लेकिन बहुत अच्छा काम करना है। अब सफ़ा नंबर 16 खोलिए। सफ़ा नंबर 16 पे हम करेंगे खुशखत। डेट आज की डालेंगे। ये देखें, एक लाइन आपकी टीचर ने आपको लिख के दिखाई है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। इसको हमने कितनी बार लिखना है? चार बार, नंबर पाँच तक। दो, तीन, चार, पाँच। बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में आपने खुशखत करनी है। खुशखत करने के बाद इंशाल्लाह आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बेटा, जो जो हम वर्क कर रहे हैं वो आप सब याद भी करते रहें। इंशाल्लाह हम अनकरीब टेस्ट भी लेंगे, और घर पे भी आप अपनी अम्मी को ट्यूशन की कॉपी में टेस्ट देते रहिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।